डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। होप इट यू ऑल क्वाइट फिट एंड फाइन एंड डूइंग हार्ड वर्क। बेटा मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ भी होंगे, सुरक्षित होंगे और जितने वीडियोज आपको दिए जा रहे हैं उन सब के ऊपर आप वर्क करेंगे। खूब लगन, खूब मेहनत के साथ में काम हो रहा होगा। ठीक है बेटा, लेट अस चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है दिस वन, और जो हमारा लेसन था दिस वन, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। ठीक है बेटा, इसके ऊपर वर्क कर रहे थे। पिछला वीडियो मैंने आपको दिया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैलो एल्केन्स। इसके अंदर मैंने आपको जो हैलो एल्केन्स है, ये अल्काइल हैलाइड्स हैं, इनको कैसे करके तैयार करते हैं उसका कंसेप्ट दिया था। और उसमें मैंने फोर्थ नंबर का जो पॉइंट आपको बता रहा था, दैट वाज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स में इसके अंदर जो पहला वाला पार्ट था वो एल्केन से तैयार करना था, दूसरा पार्ट इसके अंदर आया था बाई एल्कीन। और एल्कीन के अंदर भी मैंने आपको कल वाला जो पार्ट आपको बताया था, पिछला वीडियो जो बताया था, उसमें हैलोजन एसिड की रिएक्शन करवाई थी। और हैलोजन एसिड की रिएक्शन करवाते हुए मैंने आपको बोला था कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर हो तो उस पर कैसे करके हैलोजन एसिड का एडिशन होता है। और वहां पे मैंने मार्कोवनिकोव रूल वगैरह, एंटी मार्कोवनिकोव रूल को मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। ठीक है बेटा, लेट अस मूव, इसी कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो पहले वाला पार्ट था वो हैलोजन एसिड था, इसका जो सेकेंड वाला पार्ट बनेगा बेटा वो हम लिखेंगे दिस वन एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है बेटा, और इसे हम ऐसे भी लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ एडिशन ऑफ हैलोजन। अगर बोला गया जैसे मान लो बेटा हमारे पास ये कंपाउंड है सी एच टू डबल बॉन्ड एन सी एच टू, दिस वन एथीन, ये एथीन है। और अगर मान लो मैं इस पे हैलोजन्स की अगर मैं बात करता हूँ, हैलोजन्स मॉलिक्यूल्स याद रखेंगे, हैलोजन मॉलिक्यूल्स बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ब्रोमीन को हमने लिया, दिस वन ब्रोमीन जो है वो अपने आप में दिस वन रेडिश ब्राउन, ये अपने आप में क्या है बेटा, रेडिश ब्राउन है। और यहाँ पे हम क्या लेते हैं बेटा, देर इज अ यूज ऑफ सी सी एल फोर कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका नाम है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अगर आप इसका यूज पढ़ेंगे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड अपने आप में एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और जिसका यूज एज अ फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज होता है, इसको हम पायरीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे किसके जैसा काम कर रहा है, सॉल्वेंट के जैसा काम कर रहा है। यहाँ जब इसकी रिएक्शन होती है तो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ हो क्या रहा है, एडिशन हो रहा है। डेट्स वाई एडिशन होगा तो एक बी आर यहाँ लगेगा, दूसरा बी आर यहाँ लगेगा। यहाँ से क्या होगा बेटा, सी एच टू डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आने की कोशिश करेगा और सिंगल बॉन्ड में आ गया ये, और यहाँ से कंपाउंड बना, इसका नाम हो गया वन, हो गया टू, हो गया और कितने हैं दो डाई ब्रोमो, और क्या बोल देंगे बेटा दिस वन इथेन, ऐसे करके नाम देते हैं। एडजेसेंट कार्बन पे जब टू हैलोजन एटम्स आते हैं तो अगर आपको याद होगा दिस वन विसिनल डाई ब्रोमाइड है बेटा ये, या इसे हम क्या बोलेंगे, अगर दो एडजेसेंट कार्बन से दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए, ठीक है, एडजेसेंट यहाँ से भी निकल रहा है यहाँ से भी निकल रहा, तो इसे बोलेंगे बेटा इथाइलिन, इथाइलिन डाई ब्रोमाइड, क्या बोलेंगे इथाइलिन, और फिर लिखेंगे डाई ब्रोमाइड। ये कंसेप्ट आपको सारा बता रखा है। अगर एक से ही दो हाइड्रोजन निकलते तो तब जेमिनल होता है, तब इथाइलिडीन होता है, लेकिन यहाँ क्या बना इथाइलिन डाइब्रोमाइड ये बन गया। ठीक है बेटा, अच्छा ध्यान देंगे ये अपने आप में कैसा होता है बेटा, दिस वन कलरलेस, कैसा होता है बेटा ये कलरलेस। यहाँ ब्रोमीन के अंदर कैसा कलर था, रेडिश ब्राउन, ठीक है, और यहाँ जा करके कैसा हो गया ये कलरलेस हो गया। दैट्स वाई इसे बोला जाता है दिस वन टेस्ट फॉर, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अगर आपको ये कंफर्म करना है कि भाई हमारे पास जो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड अपने आप में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया कि इसमें या तो डबल बॉन्ड है या तो क्या है ट्रिपल बॉन्ड है। और अगर इसके अंदर डबल बॉन्ड है तो ये जो ब्रोमीन है जिसके अंदर रेडिश ब्राउन कलर था, जब ये इस डबल बॉन्डेड सिस्टम के साथ में जुड़ती है तो एक एडिशनल कंपाउंड बनाता है। और ये जो डबल बॉन्डेड सिस्टम है इसके साथ, अगर यहाँ पे अगर मान लो सिंगल बॉन्डेड सिस्टम होता तो ब्रोमीन उसके साथ में ऐड नहीं होती, समझ रहे हैं जैसे नो, दैट्स व्हाई अगर यहाँ डबल बॉन्डेड सिस्टम है तो ये ब्रोमीन इस पे जुड़ा, जुड़ने के बाद यहाँ से क्या बना दिया,
एडिशनल प्रोडक्ट बनाया इथाइलीन डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन हुआ जिसके अंदर कोई भी कलर नहीं है। इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि ये हमारे पास अनसैचुरेटेड सिस्टम था, दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। बहुत क्लियर है बेटा। तो ये था बेटा हमारे पास जो सेकेंड वाला पार्ट इसका बना एडिशन ऑफ हैलोजन। तो ये था हमारे पास बाई एल्किन। अब हम चलते हैं बेटा इसके अंदर तीसरा जो पोर्शन बनता है उसे लिखेंगे बाई एल्काइन। सो हाइड्रोकार्बन्स को हम ले रहे हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ले रहे हैं, और थर्ड वाला जो पार्ट बना, थर्ड वाला बनेगा दिस वन बाई एल्काइन। क्या लिखेंगे? बाई एल्काइन्स आप इसे लिखेंगे बेटा। और ध्यान देंगे एल्काइन्स के अंदर भी पहला पार्ट अगर मैं लिखूं, यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ लिखेंगे दिस वन एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। ठीक है बेटा। तो हैलोजन एसिड्स तो आपको बता दिया मैंने। जैसे मान लो हमारे पास एल्काइन्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच ऐसे करके ड्रॉ कर दें मान लो, या एच हटा दो आप, जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या ट्रिपल बॉन्ड है वो अपने आप में क्या होते हैं एल्काइन्स होते हैं। तो ये एल्काइन्स हमने लिया, मान लो मैं एल्काइन यहाँ पे ले रहा हूँ ऐसे करके मैंने लिया सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच लिया, और इसमें हैलोजन एसिड को लेता हूँ मान लो मैंने क्या किया यहाँ पे एच सी एल को ले लिया। जैसे एच सी एल को लेंगे बेटा यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि इसका वन इक्विवेलेंट लिया हमने एच सी एल का, ये टू इक्विवेलेंट, अगर हम इसका टू इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो वन इक्विवेलेंट लेते हुए क्या होगा ये ऐसे करके आ गया और ये सी एल यहाँ आ गया। ठीक है बेटा। क्या बनेगा? ये ऐसे करके बनेगा डबल बॉन्डेड सिस्टम हो गया, ये C हो गया, यहाँ H आ गया और यहाँ क्या बन गया Cl। H जो है वो यहाँ जुड़ गया तो क्या हो गया ये CH2 बन गया, CH2 बन गया। दूसरा Cl यहाँ लगेगा तो CH तो था ही यहाँ पे और साथ में क्या गया Cl आ गया। अगेन इसमें एक पॉसिबिलिटी और है, एक HCl का इक्विवेलेंट और जुड़ सकता है, दैट्स वाई अगर ये इससे जुड़ेगा तो क्योंकि इसको कहाँ तक जाना होता है बेटा अब तो सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड तक रेगुलरली इसके अंदर क्या होता रहेगा एडिशन होता रहेगा, दैट्स वाई ये कंपाउंड यहाँ पे बनके तैयार हो गया दिस वन इज कॉल्ड। अब ये अपने आप में इसे नाम देंगे दिस वन इज कॉल्ड जेमिनल डाइक्लोराइड, इसे आप बोल सकते हैं क्योंकि एक ही कार्बन से क्या हो गया दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए, या इसका नाम होगा बेटा दिस वन इज कॉल्ड इथाइलीडीन डाइक्लोराइड, आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है बेटा। कैसे ना समझ में आ गया आपको कैसे करके ये कंपाउंड बना? ठीक है, ये पहले बता रखा मैंने जेमिनल कब बनेगा या इथाइलिडीन कब बनेगा, सारा डिटेल में आपको बता रखा। या अगर मान लो इसके बजाय अगर मान लो मैं दूसरा कंपाउंड लेता हूँ अनसिमेट्रिकल एल्काइन को लेता हूँ, सी एच थ्री हो गया, सी हो गया और ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और यहाँ से हमने क्या कर दिया दिस वन सी एच, ये ऐसे करके बनाया। और अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बेटा एच बी आर की रिएक्शन करवाता हूँ। ठीक है बेटा, अगर मैं एच बी आर की रिएक्शन करवाऊंगा और इसका अगर वन इक्विवेलेंट में लेता हूँ तो यहाँ भी कौन सा रूल लगेगा बेटा, यहाँ भी लगेगा मर्कोविकोक्स रूल लगेगा। इसलिए जो बी आर नेगेटिव जो है यहाँ पे वो उस डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, इसलिए बी आर जुड़ेगा यहाँ, एच जुड़ेगा उस कार्बन से ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से, यहाँ भी मर्कोविकोक्स रूल लगता है अनसिमेट्रिकल सिस्टम के अंदर जहाँ हाइड्रोजन क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं। क्या हो गया बेटा सी एस थ्री हो गया, सी हो गया, इसके साथ अगर बी आर लग गया, ये बी आर ऐसे ड्रॉ कर दिया डबल बॉन्ड आएगा, ये सी हो गया, एक एच ये पहले से था, एक एच और लगा दो, ये ऐसे बना दिया। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पे नहीं रुकेगी, एक इक्विवेलेंट इसका और ऐड होगा क्योंकि पॉसिबिलिटी है, दैट्स वाई। अब क्या बनेगा ये बी आर यहाँ जुड़ेगा, ये एच यहाँ जुड़ेगा, सी एस थ्री सी हो गया, बी आर हो गया, बी आर हो गया, और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, और यहाँ ये H हो गया, ये H हो गया बेटा, और ये ऐसे करके आपने H को तैयार कर दिया, दैट्स वाई। अब इस कंडीशन में जाकर के हमारे पास ये जो कंपाउंड बनेगा वन टू और थ्री, और अगर एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन निकले हैं तो उस कंडीशन में बनेगा जेमिनल, लेकिन ये कैसा बनेगा इसे नाम दिया जाएगा दिस वन आइसो प्रोपाइलिडीन, और डाई क्या लिख देंगे दिस वन डाई ब्रोमाइड, ऐसे करके इसे नाम देंगे, पहले भी सिखा रखा मैंने आपको। ठीक है बेटा। या ये क्या अपने आप में दिस वन अगेन
इसलिए आपने क्या बोल दिया, जेमिनल, इसलिए आपने जेमिनल डाइब्रोमाइड आपने इसे नाम दे दिया। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पहले बता दी गई। ठीक है बेटा, तो ये डिपेंड करता है कि ये वन इक्विवेलेंट बोल रहा है, यहाँ पे मैंने एक इक्विवेलेंट ये लिया, एक इक्विवेलेंट ये लिया, तो दोनों के दोनों जुड़ के यहाँ पहुँच गए सिंगल बॉन्ड। अगर वन इक्विवेलेंट होता तो ये वाली रिएक्शन नहीं होती, केवल यहीं तक होता। समझ रहे हैं आप कंसेप्ट को, ध्यान से समझेंगे। तो ये आया बेटा हमारे पास एडिशन में हैलोजन एसिड। अगर मान लो अगला कंसेप्ट अगर यहाँ से क्या बनता है, सेकेंड पार्ट अगर इसका बनेगा, एडिशन ऑफ हैलोजन या हैलोजन मॉलिक्यूल। देखो बेटा, अगर मान लो हम क्या करते हैं, यहां से नाउ सेकेंड वाला जो पार्ट है इसका यहां लिखेंगे, दिस वन एडिशन ऑफ हैलोजन। अगर हैलोजन का एडिशन होना है तो क्या होगा बेटा, लाइक दिस वन, जैसे मान लो अनसिमेट्रिकल को ले लेते हैं, तो ऐसे करके आपने ये ड्रॉ कर दिया। और अगर मान लो आप इससे ब्रोमीन की रिएक्शन करवा रहे हैं, ये रिएक्शन जो है लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में होती है, एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है बेटा, तो बी आर यहाँ जुड़ेगा, डेट्स वाई सी एस थ्री, बी आर यहाँ भी जुड़ेगा, सी एस थ्री सी हो गया, ये बी आर लग गया, डबल बॉन्ड हो गया, सी एच हो गया, बी आर हो गया, एक बी आर यहाँ जुड़ा, एक बी आर यहाँ जुड़ गया, अगेन फिर बी आर टू, यहाँ आपने लिक्विड अमोनिया को ले लिया, एक बी आर यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, डेट्स वाई ये ऐसे करके बना दिया, बी आर हो गया, ये बी आर हो गया बेटा, ये सी एच हो गया, ये बी आर हो गया, और ये बी आर हो गया। नाउ अगर आप इसका नाम देना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा, वन टू थ्री, तो वन हो गया, अगेन वन हो गया, टू हो गया, टू हो गया, वन टू थ्री फोर, मतलब क्या लिखेंगे बेटा, टेट्रा ब्रोमो वन टू थ्री, और तीन कार्बन है तो क्या लिख देंगे, टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन। तो ऐसे करके क्या करेंगे बेटा आप, यहाँ पे जो हमारे पास हैलोजन्स हैं उन हैलोजन्स का एडिशन हो रहा है अनसिमेट्रिकल सिस्टम, जो क्या था बेटा, ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम था, जिसे आपने क्या नाम दिया, एल्काइन। तो बेटा आप देखेंगे जितने वीडियोस मैंने आपको दिए हैं यहाँ पर, अब जाकर के जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है हैलोएल्केन की, वो अब जाकर के क्या हुई है, कंप्लीट हुई। आशा करता हूँ कि सारे के सारे जो मेथड्स हैं आपको बहुत क्लियरली आपको समझ में आएंगे। जहाँ जहाँ डाउट हो यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। मेरा नंबर आपके पास है, आप सभी बच्चे क्या करते हैं कि लिख सकते हैं कि सर मुझे यहाँ डाउट हो रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेट अस मूव। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बनती हैं जिन पे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत होते हैं, तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट अस मूव, यहाँ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और यहाँ स्टार्ट करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ, लिखेंगे बेटा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनो हैलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले वाला जो पार्ट है बेटा, ऐसे करके कंपाउंड लिया और यहां ले लिया SOCl2। सेकेंड वाले जो रिएक्शन है ये ऐसे करके बना दिया, यहाँ NO2 यहाँ ऐसे लिख दिया, नाउ CH2 एंड CH3 यहाँ लिया, दिस वन ब्रोमीन के बाद इसे हीट किया, या और करके क्या लिख रहा है, यूवी लाइट, ठीक है। तीसरे नंबर का जो पार्ट बनता है, दिस वन, यहाँ OH ग्रुप है बेटा,
यहाँ हमारे पास CH2OH है, इसकी रिएक्शन करवानी है HCl के साथ में इसे हीट भी कर दिया, ठीक है बेटा। चौथा पार्ट है लाइक दिस वन, ये ऐसे बना दिया CF3 और प्लस एच आई आ गया। पांचवे नंबर का जो पार्ट है दिस वन CH3 CH2 Br प्लस NaI और यहाँ पे एसीटोन के साथ में लिखा है रिफ्लक्स। छठवां नंबर जो बनेगा उसमें है बेटा, ये ऐसे करके हमने सिस्टम बनाया, Br2 की रिएक्शन हो रही है, साथ में यहाँ हीट किया, इसके बाद यूवी लाइट इसका रोल है बेटा। या अगर मान लो सातवें नंबर की रिएक्शन अगर देखें तो ये लिखा है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस रिएक्शन हो रही है HCl की, ठीक है। बाकी और भी आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए बेटा। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है बेटा, इसने क्या लिखा कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर मोनोहैलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ से आपने क्या करना है कि जो मेजर प्रोडक्ट है उसको तैयार करना है। तो आपको याद होगा अगर पहले नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये रिएक्शन अपने आप में, अगर आपको याद है तो ये रिएक्शन अपने आप में कौन सा मेथड है बेटा, है आपको ध्यान, डार्जन्स मेथड। डार्जन्स मेथड में आपको क्या बोला था कि जो अल्कोहल होता है वो थायोनाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करता है, और इसी को बेस्ट मेथड माना जाता है, क्योंकि यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से जो SO2 और HCl जो निकलेगा दोनों के दोनों गैसेस प्रोडक्ट होंगे वो बाहर निकल जाते हैं, इसलिए यहाँ से सबसे पहले क्या होगा बेटा, यहाँ से H हो गया, यहाँ से Cl हो गया, यहाँ से SO और यहाँ से SO2 एक Cl इस पर जुड़ जाएगा। दैट्स वाई यहाँ से जो प्रोडक्ट बना, मेन प्रोडक्ट जो बना बेटा वो ऐसे करके बना और यहाँ क्या लग जाएगा दिस वन Cl, ऐसे करके बता दिया। साथ में अगर आप ये बोलेंगे निकलेगा बाहर क्या, तो एक निकल रहा है HCl, दूसरा क्या निकल रहा है बेटा SO2, ठीक है बेटा। दोनों कौन से फॉर्म में होते हैं, गैसेस प्रोडक्ट, ऐसे बाहर निकल गए। लेकिन इसने क्या बोला कि मेजर मोनो, मेजर आपने तैयार कर दिया, ये प्रोडक्ट यहाँ से तैयार हुआ, सबको समझ में आ जाना चाहिए। तो सेकेंड वन, अगर मान लो हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएं बेटा ब्रोमीन की या यूवी लाइट, अगर यूवी लाइट का यूज अगर किया जा रहा तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जाएगी, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जब भी होगा बेटा आप देखेंगे बेटा, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जैसे मान लो ये बेंजीन की रिंग है, समझो हाँ कंसेप्ट को, ऐसे बेंजीन के रिंग के बाद अगर मान लो हमारे पास ये था दिस वन CH3 था, मान लो इतना समझो आप, अगर ये फ्री रेडिकल बनाता है तो यहाँ से जो फ्री रेडिकल बनेगा उसको नाम देंगे बेंजाइल फ्री रेडिकल, मतलब बेंजीन की रिंग के बाद CH अगर सी अगर आ रहा है उसमें ऑड नंबर का इलेक्ट्रॉन आ गया तो बेंजाइल बन गया। और बेंजाइल फ्री रेडिकल के अंदर अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पिछला वीडियो जो होगा उससे पिछला वीडियो जो था हमारे पास उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बेंजाइल फ्री रेडिकल है उस बेंजाइल फ्री रेडिकल के अंदर क्या होती है, रेजोनेंस होती है, उसके अंदर स्टेबिलिटी होती है। इसलिए इस रिएक्शन में ये जो NO2 है इसका रोल अगर मैं आपको बोलूं तो NO2 अपने आप में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, इसका रोल केवल इतना है कि ये क्या करेगा, जो फ्री रेडिकल जो मूवमेंट हो रहा है उसको और ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, मतलब यहाँ भी आएगा इधर भी आएगा उसके अंदर मूवमेंट बनेगा, इसका रोल अभी इतना है। आगे जा करके आपको इसका कंसेप्ट डिटेल में जिस टॉपिक में आएगा वहाँ पर आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ से इतना और इसके बाद ये कार्बन, तो इसका मतलब इतना पोर्शन जो बनेगा वो बेंजाइल वाला बनेगा। अगर ये बेंजाइल वाला बनेगा यहाँ से अगर एक एच चला जाए, तो अगर मैं इसको अगर ऐसे ड्रॉ कर दूँ बेटा, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दूँ तो आप देखेंगे कि इतना और यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, इसका NO2 मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो ये वाले जो कंडीशन है केवल हमने यहाँ से एक एच हटा दिया,
एच हटाने के बाद ये क्या बन गया, बेंजाइल बन गया, क्या बन गया, बेंजाइल फ्री रेडिकल। अब उस बेंजाइल फ्री रेडिकल पे क्या जुड़ेगा, बी आर जुड़ेगा, दैट्स वाई, क्योंकि फ्री रेडिकल था, अब हमने क्या लगा दिया यहाँ पे बी आर लगा दिया, इसलिए इसका जो प्रोडक्ट बनेगा जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगी तो इसका मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। आया बेटा समझ में, यस एंड नो? यहाँ से भी कोई एच बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है बेटा, यहाँ से भी केवल और केवल कितना एच बाहर निकलेगा, केवल एक एच बाहर निकलेगा, क्योंकि बेंजाइल फ्री रेडिकल बन रहा था। अगर आप यहाँ रिएक्शन देखें बेटा, देखो एक चीज है, यहाँ पे जो हमारे पास ये जो OH ग्रुप है और यहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम है, ये सिस्टम अपने आप में डबल बॉन्डेड सिस्टम है। देखेंगे कि यहाँ पे O और कार्बन के बीच में रेजोनेंस होती है, प्लस वन में आपने पढ़ा होगा, रेजोनेंस के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है। आगे फिनॉल जब आएगा तब भी मैंने ये डिटेल में बताया ना, अभी केवल इतना समझो, अगर यहाँ डबल बॉन्डेड सिस्टम आएगा तो इसका मतलब ये बॉन्ड इजिली नहीं टूटेगा। लेकिन जबकि यहाँ जो कार्बन है बेटा, और इसके बाद अगर मान लो यहाँ कार्बन है और ये OH ग्रुप हमारे पास है, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या नहीं बनेगा, डबल बॉन्डेड सिस्टम नहीं आएगा, इसलिए ये OH ग्रुप यहाँ से टूट जाएगा। अगर ये OH यहाँ से टूट जाए बेटा, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H हो गया, यहाँ से OH हो गया, यहाँ से बाहर क्या निकल गया, H2O निकल गया, Cl इस पे जुड़ जाएगा। दैट्स वाई बेटा यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा ये OH ऐसे रहेगा, इससे चाहो आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, जिसमें CH2 और CH2 के साथ में क्या आ गया बेटा, Cl आ गया। यहाँ भी अगर आप रिएक्शन करवा रहे थे तो इसमें भी बाई प्रोडक्ट अगर आपको दिखाना होता, यहाँ से H, यहाँ से Br, मतलब माइनस करके यहाँ से क्या निकलता, HBr बाहर निकलता, ठीक है बेटा, ऐसे नो समझ में आ गया। अगर मान लो यहाँ रिएक्शन देखें बेटा, अब आप इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर मैं इसकी अगर बात करूँ तो यहाँ से क्या लगेगा बेटा, हमारे पास अनसिमेट्रिकल सिस्टम है, HI की रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करेंगे, और मार्कोवनिकोव रूल अगर फॉलो करेंगे तो जो नेगेटिव एंड है अटैकिंग रिएजेंट का, उसे डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन कम कहाँ पे है, इस कार्बन पे, देखो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे क्या एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है बेटा, जबकि यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं, इसलिए आई कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन कम होगा, कौन सा रूल लगेगा बेटा, मार्कोवनिकोव रूल, ठीक है बेटा, डबल बॉन्ड हट जाएगा, ये CH3 हो गया, यहाँ आई आ गया, यहाँ एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन और लग गया, और इसकी कंडीशन बेटा अब हम ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे, ठीक है बेटा, कंप्लीट करना आ गया आपको। इस रिएक्शन की अगर बात करें, अगर आपको याद होगा बेटा, दिस वन फिंकलस्टीन, कैसे रिएक्शन है बेटा, दिस वन इज फिंकलस्टीन रिएक्शन है बेटा, ये हैलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन है, एसीटोन रिफ्लक्स, मतलब यहाँ से NaBr बाहर निकलेगा, NaBr बाहर निकला, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 हो गया, CH2 हो गया, उसके साथ में आएगा I, ठीक है बेटा, CH3, CH2 और I, और NaBr यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया। अगर आप यहाँ रिएक्शन करवाते हैं बेटा, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है, लेकिन डबल बॉन्डेड सिस्टम में अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ रिएक्शन कैसे करके जाएगी बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसे बोला जाता है। कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसलिए ये रिएक्शन जो है वो एलाइलिक सिस्टम जो है उसके साथ में काम करेगी, एलाइलिक सिस्टम के जैसे बिहेव करेगा। तो एलाइलिक सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ ये डबल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, पहला कार्बन, दूसरे कार्बन, तीसरे नंबर का जो कार्बन होता है उसके पास जो दो हाइड्रोजन है बेटा, उनमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ से बाई प्रोडक्ट तो HBr तो एक बाहर निकल गया, यहाँ से Br, यहाँ से H, HBr बाहर निकल गया, बचा यहाँ पे जो H हट गया था उस जगह पे Br जुड़ेगा। दैट्स वाई इसका जो प्रोडक्ट बनता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक बार नहीं कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ लगेगा बेटा Br। अब समझ पा रहे हैं बेटा, दिस वन एलाइलिक सिस्टम, ऐसे करके ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। अगर आप यहाँ रिएक्शन करवाते हैं बेटा, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड, CH2, HCl की रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ कहीं भी कोई भी परोक्साइड नहीं है या कुछ भी नहीं लिखा है, तब भी क्या होगा, यहाँ पे सिंपली मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करेंगे बेटा, और मार्कोवनिकोव रूल अगर फॉलो करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, Cl यहाँ जुड़ेगा, दैट्स वाई प्रोडक्ट क्या बना, CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH के साथ में Cl हो गया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, दिस वन CH3। तो ये इसका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ये प्रोडक्ट बनाने आपको आने चाहिए, अगर आपको ये प्रोडक्ट बनाने आ रहे हैं बेटा, तो इसका मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक जो चीज़ें आपको सिखाई गई थी, ठीक है बेटा। एक बार मैं टाइम देख लूँ क्या हो रहा है,
लेट अस मूव, चलते हैं बेटा। अब हमारे पास इसी में आगे एक दो और पॉइंट बनते हैं, सेवंथ पॉइंट आपको करवा दिए हैं। आगे देखो आप, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं एक्सरसाइज, ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। अगर ये क्वेश्चंस अगर आपको आ रहे हैं बेटा, इसका मतलब आप सारी चीज़ें समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। एंटी मार्कोवनिकोव रूल क्या है, मार्कोवनिकोव रूल क्या था, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेट अस मूव नाउ, पॉइंट नंबर लिखेंगे बेटा, एट्थ नंबर का पॉइंट लिखेंगे और क्या क्या रिएक्शंस बनती हैं उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। लाइक दिस वन, Me2CH, CH2OH और यहाँ लिया SOCl2। नाइन्थ नंबर को अगर लिखें, ये ऐसे बना दिया बेटा, HBr की रिएक्शन होगी। टेंथ नंबर है Me2C डबल बॉन्ड CME2 ब्रोमीन। इलेवंथ नंबर है, ये ऐसे करके कंपाउंड ले लिया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr लिया बेटा, परऑक्साइड ले लिया। और अब आपसे पूछा गया कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो आप, अगर आपको समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। Me2 का मतलब हो गया मिथाइल, मतलब ये जो CH है ना, अगर मैं ऐसे बताऊं, CH अगर आपने बनाया तो इस पर ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे करके पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड H के साथ में, और चौथा बॉन्ड क्या है, फिर CH2 है और फिर क्या OH है। ये कंपाउंड है ऐसे, देखो दो मिथाइल ग्रुप हैं, फिर CH आ गया, फिर CH2 आ गया, OH आ गया। यानी सीधा सा कंसेप्ट है, अल्कोहल है, अल्कोहल के साथ में क्या है, ये अल्कोहल। अगर डिग्री आपसे पूछा जाए तो इससे अल्कोहल का डिग्री कौन सा, 1 डिग्री अल्कोहल। जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा है, ठीक है ना, उस कार्बन पे अगर इसको देखें तो इस पर केवल एक ही कार्बन है। ये तो इस कार्बन के ऊपर लगे हैं, लेकिन इस पर तो केवल एक कार्बन लगा है, दैट्स जिसमें 1 डिग्री। तो यहाँ से थायोनाइल मतलब डार्जन्स मेथड यहाँ भी अप्लाई होगा। Me2 हो गया, CH हो गया एंड CH2Cl। अगर आप चाहते हैं इसका बाई प्रोडक्ट बाहर निकालें तो HCl हो गया और SO2 हो गया। ये भी गैस में, ये भी गैस में, ये दोनों के दोनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, है ना। ये आपको ध्यान होना चाहिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, डार्जन्स मेथड। यहाँ अगर आप देखें, आप HBr की रिएक्शन हो रही है, लेकिन यहाँ कहीं भी कोई परऑक्साइड का यूज नहीं है। दैट्स व्हाई रूल कौन सा लगेगा, मार्कोवनिकोव रूल। जो नेगेटिव एंड है अटैकिंग रिएजेंट का, उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन कम है, इसलिए Br यहाँ जुड़ेगा, H आपका यहाँ जुड़ेगा। बेंजीन के रिंग ऐसे ड्रॉ कर दो आप, ये ऐसे आपने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या था, दिस वन, इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, Br यहाँ जुड़ जाएगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा बेटा, ठीक है, और डबल बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा तो ये H हो गया, ये H हो गया और ये H, ऐसे करके आप क्या कर देंगे, यहाँ से प्रोडक्ट को तैयार कर देंगे। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं आप। तो ये आपने क्या कर दिया, यहाँ से प्रोडक्ट बना दिया। अगर यहाँ रिएक्शन देखते हैं, डबल बॉन्डर सिस्टम है, अगर मैं यहाँ पे CCl4 को भी ले लूँ तो यहाँ से ये यहाँ लगेगा, ये यहाँ लगेगा। दैट्स वाई Me2 तो था ही C, और C के साथ में एक चीज़ और क्या जुड़ी, Br जुड़ गया, ठीक है। डबल बॉन्ड किस में चेंज होगा, सिंगल बॉन्ड में C, और यहाँ Me2 आपने लिख दिया और इसके साथ में क्या लगा दिया, दिस वन Br, ठीक है बेटा। अगर यहाँ रिएक्शन करवाते हैं परऑक्साइड के साथ में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन देखें आप, तो जो Br है वो नेगेटिव एंड जो है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, और H यहाँ जुड़ जाएगा, याद रखेंगे बेटा। इसलिए यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से क्या बनेगा, CH2, ठीक है, ये CH2 आ गया। यहाँ CH था, CH2 में चेंज होगा, यहाँ हमारे पास CH2 है बेटा, और इसके साथ में क्या हो गया, Br जुड़ गया। डेट्स वाई ये क्या बन गया बेटा, यहाँ से प्रोडक्ट बन गया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं,
छोटी छोटी चीजें अगर आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रही बेटा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हमारे जितने भी मैंने अभी तक आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करवाई हैं उन पे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एक दो क्वेश्चन और लिखता हूँ बेटा। देखो आप, मान लो मैं 12th नंबर की अगर बात करता हूँ तो 12th नंबर की अगर मैं बात करूँ तो 12th नंबर क्या है बेटा, देखो आप लाइक दिस वन। अगर ये कंपाउंड हमारे पास है CH3 CH2, ये C हो गया, ये CH3 हो गया, डबल बॉन्ड CH2 और प्लस करके HBr बेटा हमने लिया, और यहाँ इसने लिखा है कि नो परोक्साइड, HBr की रिएक्शन करवा रहा लेकिन लिखा नो परोक्साइड, या एक और लिख देते हैं लाइक दिस वन, CH3 CH2 CH2 Br हो गया बेटा, प्लस करके लिखा है Hg2 F2, ये रिएक्शन है बेटा। ठीक है, अब ध्यान देंगे अगर आप इसका प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, इस वाले का प्रोडक्ट, परोक्साइड नहीं है, अगर परोक्साइड नहीं है तो कौन सा रूल लगेगा बेटा, मार्कोवनिकोव रूल, HBr। ठीक है, मतलब Br कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है डबल बॉन्डेड कार्बन से, मतलब CH3 CH2 C के साथ में ये CH3, यहाँ Br आएगा, इस जगह पे Br हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, CH2 जो है वो किसमें, CH3 में चेंज होगा, Hg2 F2 के साथ में रिएक्शन करेंगे। अगर आपको याद हो तो ये अपने आप में कौन सी रिएक्शन है, स्वाप रिएक्शन है बेटा, है ध्यान। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको टू कर दो, Hg2 Br2 बाहर निकलेगा, और यहाँ जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा बेटा, दिस वन CH3, फिर आ गया CH2, फिर आ गया CH2 के साथ F लग जाएगा, और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा दिस वन, इसे नाम दे देंगे फ्लोरो एल्केन, आपने तैयार कर दिया, या 1 2 3 फ्लोरो प्रोपेन या प्रोपाइल फ्लोराइड के नाम से जाना जाएगा। ये अपने आप में कैसे रिएक्शन है, स्वाप रिएक्शन है। आशा करता हूँ बेटा आज जो टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं और जो एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई है बहुत क्लियरली आपको सारा समझ में आ गया होगा। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जितना मैंने आपको अभी तक करवाया है वो सारा का सारा आपको बहुत क्लियरली आप उसे समझ रहे हैं। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो पाते हैं आपसे, इसका मतलब ये है कि भाई जितना कुछ मैंने आपको, चाहे कितना भी टाइम लगाया, चाहे वीडियो को मैंने कितनी बड़ी लेंथ के साथ में या कितना टाइम लगा करके बनाया, कितनी मेहनत करके बनाया, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते बेटा तो फिर मेरा पढ़ाना भी क्या है, कुछ भी नहीं है, जीरो है, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो भी जीरो है। तो मैं आशा करता हूँ कि जीरो ना हो हम, ठीक है ना, पॉजिटिव हमेशा रहें और बहुत कुछ सीखने का काम करें। थैंक्स बेटा, इसी आशा और विश्वास के साथ में कि आप सभी बच्चे मुझे फॉलो करेंगे और जो जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ आपको बता रहा हूँ उनके ऊपर वर्क करेंगे। थैंक यू बेटा एंड गॉड ब्लेस।